Everyone, welcome to an Academy Neat. Good evening, everyone. kaise has a bache I hope you all are doing well and doing really good at your home and but Okay, you guys are staying safe, I believe, Hana? chuke you up? Okay, let me see if I am audible, Hanji, very nice. सो वेलकम गाइज टू अन अकेडमी नीट वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा आज हमारा सेशन नंबर चल रहा है आई गेस सेशन नंबर फिफ्थ कल हमें किसी रीजन की वजह से बीच में मैम की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हमें वो टॉपिक बीच में छोड़ना पड़ा बट नेवर परफेक्टली फाइन राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट टॉपिक क्या शुरू किया हुआ था हमने मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन शुरू किए हुए थे एंड उन मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को बेटा आज हम निपटाएंगे कैसे निपटाएंगे लास्ट वाला मेथड कंप्लीट करके सबसे पहले हमने किया था नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉलोड बाय बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देन वी स्टार्टेड विद ऐसा मेथड भाई जिसमें हार्मोन यूज होते हैं एक मेथड आपका था दैट इज टेबलेट्स ले लो पिल्स ले लो जिसमें हार्मोन यूज होता है दूसरा मेथड बेटा हमने किया था कि इंजेक्शन लगवा लो इंजेक्टेबल्स इम्प्लांट करा लो उसमें भी क्या थे हार्मोन थे एंड देन हमने तीसरा मेथड किया था कि एक और मेथड है जिसमें फीमेल के यूट्रस के अंदर वी कैन इंसर्ट अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड लैस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अब IUDs जो थी या फिर IUCDs बोल सकते हो ये IUDs आपकी तीन तरीके की थी अगर हम देखें ब्रॉडली वन वॉज नॉन मेडिकेटेड बायोलॉजिकलीन हमने किया था कॉपर बेस्ड आईओडी एंड देन हमने किया था हॉर्मोनल आईओडी हॉर्मोनल आईओडी करने के बाद बेटा आज हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट पोर्शन दैट इज गोइंग टू बी सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे बेटा सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन एक बार मुझे बता दो क्या आप चाहते हो कि आई एक बार फिर से रिवाइज किया जाए या फिर हम आगे बढ़े ये आप जब तक बताएंगे तब तक मैं नए बच्चों को बता दैट माय नेम इन आई एम एक्सपर्ट ऑन अकेडमी नीट एवरी डे बेटा मैम के सेशन देखते हो कितने बजे अब तक तो याद हो जाए कितने बजे बेटा छह बजे हम मिलते हैं एवरीडे एंड इन सेशन में हम डिस्कस करते हैं हमारा ट्वेंटी का कंप्लीट पोर्शन इस सीरीज का नाम है नीट लाइफ

वाले अगर कोई 2021 वाला देख रहा है तो मैं उसे बता दूं आज मंथन का भी सेशन होने वाला है लास्ट सेशन ऑफ मंथन जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और जो एनिमल हस्बेंड्री का थोड़ा सा पोर्शन है ना वो वन शॉट में डिस्कस कर रहे हैं आज रात को साढ़े नौ बजे तो आज मंथन का यू नो एक तरीके से फाइनल फिनाले का फिनाले करने वाले हैं आज कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा दूसरी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी आएगी जो मैंने लास्ट वीक आपको बैच लॉन्च किया हुआ जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं ट्वेंटी का भी बैच है बेटा हमारे पास ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सब बच्चे मेरे डियर बच्चे हैं है ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी इस पूरी जर्नी में तो जस्ट जगह अलग हो सकती है बट पढ़ना पढ़ाना हमने सबको है मैंने बहुत सारे जून में जून में आपके लिए अमेजिंग सीरीज प्लान की है उन सीरीज को बेटा मतलब कोई भी बेनिफिट उठा सकेगा वो ऐसी सीरीज है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो चार दिन का चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे अपना टॉपिक क्या था सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपने बताया कि करना है कि नहीं रिवाइज करें या कॉन्टिन्यू करें ये yes. हाँ, तो एक छोटा सा रिकैप ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ चिल्ड्रन एक छोटा सा रिकैप जिसमें तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा कि यार तुम्हें कितना याद है कितना आता है नहीं आता घर जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो सब सब पोल खुल जाएगी बेटा आपकी है ना सब पोल आपकी खुल जाएगी तो हमने कल एक मेथड किया था विच इज कॉल्ड एज इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है ना बेटा ये मेथड हमने कर लिया था साथ साथ बताते जाइए एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए ये मेथड कौन यूज करता है मेल या फिर फीमेल हांजी इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर यूट्रस बाई फीमेल के पास होता है तो फीमेल के द्वारा यूज करा गया ये मेथड है सबसे पहला इसका टाइप होने वाला है दैट इज बायोलॉजिकली इनर्ट है ना बायोलॉजिकली इनर्ट बायोलॉजिकली इनर्ट या फिर नॉन मेडिकेटेड एग्जाम्पल क्या लिखा था हमने एग्जाम्पल लिखा था बेटा वो ऐसे करके देखा था ना सांप की तरह बिल्कुल दैट वॉज लिपेज लूप क्या एग्जाम्पल था बेटा लिपेज लूप हाँ जी भाई इसका एक फायदा था फायदा क्या था फायदा था कि इट डज नॉट अलाउ इम्प्लांटेशन चलो यही चाहते थे हम क्या चाहते थे कि इम्प्लांटेशन कोई ना होने दे अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो यार अगर इम्प्लांट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती तो ये काम ही अच्छा करता था लेकिन बेटा एक या फिर फिलोपियन ट्यूब है या फिर, ये है, या फिर ये क्या है ये गलत जगह इम्प्लांट करा देता था सो द पॉसिबल साइड इफेक्ट वाज दैट इट लेड टू एक्टिक प्रेगनेंसी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए थे जिसमें इट लेड टू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ना तो ये नुकसान था इसीलिए हमने इसको यूज करना क्या कर दिया अब ज्यादा यूज नहीं करते अवॉइड करना शुरू कर दिया हां जी नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट मेथड इज द वन जिसमें क्या यूज करते थे हम कॉपर की वायर कॉपर की वायर वाला मेथड था कॉपर बेस्ड आई यू डी ओहो एक सेकेंड कौन सा मेथड था कॉपर बेस्ड आई यू डी है ना कॉपर बेस्ड में इस तरीके का मेथड था जिसमें वी आर गोइंग टू इंसर्ट अली टी शेप डिवाइस एंड दिस टी शेप डिवाइस इज मेड अप ऑफ पॉली यूरिथेन और इसके ऊपर ना ऐसे कॉपर कलर की कॉपर वायर गोल 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 ऐसे लगी होती है अब ये कॉपर वायर टाइम टू टाइम क्या रिलीज करेगी टाइम टू टाइम बेटा क्या रिलीज करेगी कॉपराइंस रिलीज करेगी ये कॉपराइंस क्या कर सकते हैं इन कॉपर में बहुत शक्ति है बेटा क्या है बहुत शक्ति ये कॉपर जो यूट्रस के अंदर स्पर्म आएंगे ना उनको वही मछली की तरह क्या करेंगे खा जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म स्पर्म के क्या कराएंगे फैगोसाइटोसिस मछली वाला गेम याद आया फैगोसाइटोसिस ऑफ यस गाइस हां जी एग्जांपल बताइए कॉपर बेस्ड की एग्जांपल क्या थी उसके नाम में कॉपर आता था कॉपर बेस्ड की एग्जांपल रहेगी कॉपर टी कॉपर टी को टी क्यों बोला क्योंकि यार ये टी शेप है है ना टी शेप डिवाइस है देन आता है आपका कॉपर सेवन लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा था बेटा जिसमें कॉपर नहीं आता कौन बताएगा जिसके नाम में कॉपर नहीं आता यस yes, एक एग्जाम्पल ऐसा था जिसके नाम में कॉपर नहीं आता बट फिर भी वो कॉपर बेस्ड है फिर भी बेटा वो कॉपर बेस्ड है यार कॉपर सेवन के नाम में तो आता है तुम वही बता रहे हो तुम वही बता रहे हो थोड़ा सा, थोड़ा सा सा दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ हां जी क्या था वो मल्टीलोड है ना ऐसा लग रहा है किसी गेम का नाम है मल्टीलोड लोडिंग करो है ना गेम का नाम है मल्टीलोड थ्री फाइव दैट इज ऑल्सो कॉपर बेस्ड आयोडी इसमें भी कॉपर की वायर होगी इसमें से भी बेटा क्या निकलेंगे कॉपर आयन निकलेंगे जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम

थोड़े से करो ऑन तो करो तुम तो घड़ी हो जाते अब क्या पढ़ाऊँ मैं कैंसिल ही कर देती हूँ मैं कोई तो पहले से वो मत हुआ करो हिम्मत नहीं अब क्या अब क्या सेशन लेने का क्यों नहीं तो अच्छा तब आएंगे इसे आना वो अपनी कंसिस्टेंसी लेंगे इस पर नाम दिया नहीं एवरीवन दिख रहा है यार क्या अपने देखे कि लाइट भी जा रही थी तो ऐसे पोज में गई थोड़ा सा अच्छा पोज बन जाता तो बच्चे भी देख लेते भागते ना लेकिन वो भूत तुम्हें जोड़ के रखा वैसे मैंने तुम्हें देखा तुम गए नहीं है ना उस भूत की वजह से तुम यही रहे ठीक है बट बेटा दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ड्यू टू यू नो लाइट कई बार लाइट अचानक से चली जाती है सो so, हो सकता है फिर से चली जाए क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं है सो so, वेदर की वजह से एंड उस इलेक्ट्रिसिटी यार समझो ठीक है चलो कोई बात नहीं हम वापस आ जाते हैं क्या कर रहे थे रिवाइज कर रहे थे है ना कितना कर लिया था कॉपर बेस्ड पे आ गए थे हम राइट right, हम कॉपर बेस्ड पे आ गए थे ओके okay. चलिए अब कोई लैग नहीं है अब तो कोई लैग नहीं है ओके okay. हाँ जी कहां तक पहुंच गए थे बी हैड मैनेज टू रीच अच्छा अभी परमानेंट मेथड शुरू नहीं किया था बेटा कहां तक कर लिया था हम कर रहे थे हॉर्मोनल मेथड करने वाले थे कॉपर बेस्ड हो गया था एक ही बचा था कौन सा बचा था हॉर्मोनल मेथड बचा था है ना याद है अब तो दिख रहा है ना गाइस कम ऑन गाइस बैक बैक आई एम बैक नाउ जब तक लाइट रहती है तब तक करते हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉरमोनलो नाम बता दो नाम बता दो तुम क्योंकि तुम्हें मोड ऑफ एक्शन पता है तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या बनाएगा इन हॉस्पिटेबल अनइनवाइटेबल नखरे वाला मेहमानों को आने नहीं देना ब्लास्टोसिस्ट को आने नहीं देना पहला काम प्रोजेस्ट्रॉन ने क्या किया इसने बना दिया उसको इन हॉस्पिटेबल हाँ जी अगला काम इसने क्या किया था नेगेटिव फीडबैक देके ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया था है ना ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया और बेटा सर्विकल म्यूकस को क्या किया था थिक किया था लेकिन क्या रियल प्रोजेस्ट्रॉन तुम यूज करते थे नहीं भाई प्रोजेस्ट्रॉन का डेरिवेटिव यूज करते हैं रियल वाला डिग्रेड हो जाएगा दैट दैट वाज एल एन जी ट्वेंटी 20 and प्रोजेस्टा सर्ट, है प्रोजेस्टा सर्ट, ये थे आपके हॉर्मोनल आई यूडी सेम थिंग सब में होगा प्रोजेस्ट्रॉन इन तरीके से वो बेटा प्रेगनेंसी को करेगा अवॉइड अब बेटा हमने जितने भी मेथड किए आप खुद देखो जितने भी हमने मेथड किए एक किया था नैचुरल भाई नेचुरल मेथड परमानेंट तो नहीं है कि एक बार ये अडॉप्ट कर लिया फ्यूचर में कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है नहीं दूसरा हमने किया था बैरियर मेथड बैरियर मेथड भी क्या था यार जब बैरियर यूज करोगे तब उस प्रसाइट में प्रेगनेंसी कुड बी अवॉइडेड जब तुमने बैरियर मेथड यूज करना बंद कर दिया तब द फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट अगेन तो यार ये भी परमानेंट मेथड तो नहीं लगा मुझे है ना नेक्स्ट हमने यूज की थी पिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जब तक फीमेल वो दवाई खाती है तब तक उसकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तब तक प्रेगनेंसी से बचे जा सकता है पर जब उसने दवाई खानी बंद कर दी है ना तब प्रेगनेंसी कैन हैपन देन हमने किया बेटा इंजेक्शन इंजेक्शन की भी वैलिडिटी थी तीन महीने की वैलिडिटी हमने देखी थी तीन महीने बाद अगेन फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट अगर उसने दोबारा से नहीं लगवाया देन हमने किया बेटा इम्प्लांट इनकी भी प्रॉपर वैलिडिटी है आप कभी भी रिमूव भी कर सकते हो तो यार जितने भी मेथड अभी तक हमने पढ़े

कपल जब चाहे इनको ठीक कर सकता है रिवर्स कर सकता है दैट रिवर्सिबल मान लो उसने आईयूडी लगवा ली थी फाइव ईयर वाली लेकिन उसका दो साल के बाद मन है कपल का दैट दे दे कैन गेट वेरी इजीली रिमूव्ड है ना सो so ये सारी चीजें अब तक क्या थी टेम्पररी थी रिवर्सिबल इसीलिए उनको बोला जाता था जिनकी अभी फैमिली पूरी नहीं हुई है लेकिन ऐसा कपल जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है दैट मीन्स जिनके ऑलरेडी जितने भी उनको बच्चे चाहिए थे दो चाहिए थे तीन चाहिए थे दे ऑलरेडी हैड दैट मट नंबर ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन नाउ दे डोंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन इन दट केस वी कैन नॉट की सोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक बार अगर आपने वो मेथड करा लिया तो बेटा वो फिर फाइनल है, है, है तो अब बेटा बात करने वाले हैं हम इफ पर्मानेंट और इलमोस्ट इन रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्राइट कंसेप्शन हां जी आ जाइए सो पर्मानेंट मेथड करेंगे स्टेरिलाइजेशन जिसको बोलते हैं एंड जिसको क्या बोलते हैं टर्मिनल अब खुद सोचो टर्मिनल का क्या मतलब होता है टर्मिनल का मतलब होता है अंत बिल्कुल अंत वाला तो जब बेटा फैमिली पूरी हो चुकी है तब जो अंत में तुमको मेथड यूज करना है दैट इज कॉल्ड एज दिस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक और पर्मानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इस मेथड में क्या यूज हो रही है सर्जरी यूज हो रही है ये डिफरेंस है अभी तक जितने मेथड किए थे किसी में सर्जरी नहीं थी बड़े ही नॉन टाइप के थे या? बहुत लेस मतलब थी प्रॉपर सर्जरी नहीं हो रही थी लेकिन ये जो मेथड है इसमें सर्जरी होती है तभी तो बेटा लास्ट वाला मेथड बोला बारी बारी तो कोई सर्जरी नहीं करा सकता ना सो सर्जिकल मेथड दे आर एडवाइज टू दैट कपल हु डज नॉट हुट एनी मोर प्रेगनेंसी किसको और प्रेगनेंसी चाहिए होगी जिसकी फैमिली पूरी हो गई है तो उन कपल्स को बोला जाता है कि दे कैन गो फॉर दिस मेथड। इट विल ब्लॉक। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखो दिस मेथड इज एक्चुअली गोइंग टू ब्लॉक द गमिट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। दिस इज इट्स एम ओ यार एमिट बन रहा है मेल की बॉडी में स्पम बन रहे हैं फीमेल की बॉडी में ओवा बन रहे हैं लेकिन अगर मैं मेल की बॉडी की काट काट ही, दू, वास ही दू, तो यार कैसे उठ के आएगा नहीं आ सकता ना फीमेल की बॉडी में में से से फेलोपियन ट्यूब कट कर दूं बीच में से, कैसे ओवा आएगा आ ही नहीं सकता है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो वो जो ब्रिज होता है ना उस ब्रिज को तोड़ रहे हो होता नहीं है आपने मूवीज में देखा हुआ है कि यार इतना बड़ा ऐसे करके आजकल तो स्टाइलिश ब्रिज आ गए है ना ये दिस इज बांद्रा सी वर्ली लिंक इस तरीके का ब्रिज होता है इस ब्रिज से बेटा एक मेल इज हेयर फीमेल दोनों बन बन रहे हैं मेल भी बन गया, भी गया फीमेल बना लेकिन इन्होंने मिलना कैसे था मिलना था यार वो ब्रिज पे चलते और आके मिल लेकिन अगर तुम इनके मिलने का ट्रैवल करने का ये बीच का बेटा ब्रिज ही काट दोगे क्या कर दोगे बेटा ब्रिज ही काट दोगे यहां पर तुमने ब्रिज कट कर दिया तो कैसे मिलेंगे

बट दोबारा जोड़ने के लिए फिर सर्जरी करनी पड़ेगी अब क्या गारंटी है कि दूसरी वाली सर्जरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी तो यूज किया जाता है जब तुम्हें रिवर्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं मतलब एंड में अब मुझे कॉन्ट्रासेप्शन ही चाहिए आई डोंट वॉन्ट एनी मोर चिल्ड्रन हां जी वन बाई वन डिस्कस करते हैं तो ये पर्मानेंट मेथड दो तरीके के होते हैं अगर बात करें हम मेल्स की द मेथड इज कॉल्ड एज वासमी अगर बात करें बेटा जी हम फी है कोई भी सर्जरी इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ समथिंग जैसे अपेंडेक्टमी दैट रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स जैसे बेटा दैट रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स फिर यहां पे भी टमी है कुछ ना कुछ तो रिमूव हो रहा है और वो भी कैसे हो रहा है सर्जरी से हो रहा है सब बच्चे ना अपनी कॉपी में ऐड कर लें अगर कहीं भी टमी ऐसे लिखा होगा लास्ट में सो दैट इज अ सर्जरी रिलेटेड टू रिमूवल ऐसी सर्जरी जिससे कुछ ना कुछ क्या होगा रिमूव होगा वो है बेटाटमी तो वासेक्टमी रिमूवल ऑफ अ पोर्शन ऑफ वास मेल की वास्ट डेफरेंस का छोटा सा हिस्सा तुमने काट दिया कैसे सर्जरी की हेल्प से दैट इज गोइंग टू बी वासेमी टूबेक्टमी बेटा टमी माने रिमूवल क्या रिमूव करना है ट्यूब फीमेल के अंदर कौन सी ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब है बेटा फेलोपियन ट्यूब का क्या करोगे तुम कुछ हिस्सा रिमूव कर दोगे सर्जरी की मदद से वो बन जाएगा आपका ट्यूबेक्टमी ठीक है तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं पहले बात करते हैं वासक्टमी वासमी मेल्स में की जाती है सो इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन इन मेल्स फीमेल मत लिख के आना

This is called as vast difference, है ना? क्या नाम है इसका vast difference. ये पहले ऐसे जुड़ी हुई थी है ना यहाँ पर फंक्शनल मेच्योरिटी लेते हैं फिर आगे चले जाते थे ऐसे लाइक दिस गाइज लेकिन अगर तुम बीच का रास्ता ही तोड़ दे रहे हो ब्रिज तोड़ दिया गाइज आपने क्या किया ओहो आपने इस ब्रिज को बेटा तोड़ दिया ठीक है आपने इस ब्रिज को तोड़ दिया तो यार क्या स्पर्म इस जगह से इस जगह जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ना सो वट आर यू एक्चुअली डूइंग यू आर ब्लॉकिंग द ट्रांसफर ऑफ कैमेट नॉट द फॉर्मेशन स्पर्म बन रहा है बेटा लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा ठीक है तो स्पर्म बेटे यहां से यहां नहीं गया यहीं तक आपके सारे स्पर्म्स रह गए स्पर्म का भी एक लाइफ स्पैन है कुछ समय रहेंगे बेचारे फिर उनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी द होल ऑफ द सेल विल डिस इंटीग्रेट एंड जो भी निकलेगा वो हम दोबारा से री कर लेंगे ठीक है सो दिस इज बेसिकली योर वासेक्टमी अब आप देखिए बोथ द वास डेफरेंस आर कट एंड द लूज एंड्स आर लाइगेटेड जोड़ दिए जाएंगे सर्जिकल थ्रेड से ना बांध देते हैं इस तरीके से जैसे मान लो ये आपका वास डेफरेंस है दिस वॉज अ टेस्टिस यहां से निकली आपकी कॉइल्ड ट्यूब एपरीडायम एपरी से बेटा यहां से निकला आपका दिस दिस इज इज द ठीक है आपने यहां पर बीच में क्या लगवा ली कट हाउ मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया ये ब्लैक क्यों नहीं हो रहा चलिए यहां पे आपने क्या किया कट लगाया इस वाले हिस्से को भी धागे से बांध दिया सर्जिकल थ्रेड से ऊपर वाले हिस्से को भी धागे से बांध दिया ठीक है तो स्पर्म जो है बेटा वो यहीं तक पहुंच पाएंगे आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ट्रांसफर रुक गया ट्रांसफर रुक गया तो बेटा कभी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती अच्छा बताइए तो तक, तक नहीं पहुंचे क्या कुछ भी इनसेमिनेशन के वक्त या इजैक्युलेशन के वक्त कुछ भी नहीं निकलेगा और देयर वुड बी समथिंग मैंने बताया कि इससे आगे नहीं जा पाएंगे तो यहां से जो फ्लूड निकलता है इनसेमिनेशन के वक्त उस फ्लूड में इजाक्युलेन के वक्त उस फ्लूड में क्या कुछ होगा और देर विल बी नो रिलीज इजाक्यूलेशन में कुछ होगा ही नहीं कम सोच के बताओ यस 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 सोच के बताइए हां जी सब बच्चे सोच के बताएंगे क्या कुछ होगा या फिर कुछ देर विल बी नो फ्लूड क्या लगता है देखो इरेक्शन तो होगी इरेक्शन इज गोइंग टू बी फॉलोड बाई इजैक्यूलेन बट स्पर्म तो यार पहुंचे नहीं organ तक तो होगा ही नहीं या होगा तो उसमें नहीं होंगे डू डू यू यू थिंक थिंक बेटा हां जी द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कि यार इजैक्यूलेटरी फ्लूड होगा लेकिन उस फ्लूड में स्पर्म नहीं होंगे बाकी सामान तो हो सकता है रस्ते में कौन कौन आता था सेमिनल वेसिकल आता था उसकी सिक्रीशन होगी और रस्ते में कौन कौन आता था बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड आता था उसकी सिक्रीशन होगी रस्ते में आते थे कॉपर्स ग्लैंड उसकी सिक्रीशन होगी तो इनकी सिक्रीशन होगी लेकिन उस फ्लूड में सीमेन में स्पॉर्म्स नहीं होंगे सो इजैक्युलेटरी फ्लूड वुड बी देअर विदाउट द स्प दूसरी चीज सोच के बताइए कि यार मतलब इरेक्शन हुई देन इजैक्यूलेशन हुई

और उस टेस्टोस्टेन की वजह से डिजायर होती है नॉट बिकॉज ऑफ दिस वास्ट डिफरेंस सो इन दिस केस द सेक्शल डिजायर द मेल लिबिडो इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड ये बहुत लोगों में मिथ रहता है पता है जैसे जो कुछ लोग छोटे शहर में गांव के लोग जो जिन्होंने इतना मेडिसिन नहीं पढ़ा है उनमें मिथ रहता है दे फील दैट डू इफ दे विल गो फॉर दिस प्रोसीजर मे बी इट इट मे अफेक्ट द सेक्शुअल डिजायर बट और, रोक और कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक <laughs> है सर्जिकल प्रोसीजर ठीक है एंड डन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्मेंट हॉस्पिटल बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बेटा ये बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है जिसको हम नसबंदी भी बोल सकते हैं ठीक है हाँ जी तो ये आपने देख लिया इन दिस केस स्पॉम प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया स्पॉम्स बन रहे हैं बट आफ्टर वासेमी द इजैकल इव द फ्लूड फ्रॉम इट विल है फ्लूड फ्रॉम काउर्स बट नो स्प है ना इट इज नॉट इफेक्टिव इमीजिएटली लेकिन बेटा कुछ समय बाद इफेक्टिव हो जाता है एंड द कपल इज एडवाइज टू यूज सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव

उसके बाद बेटा इट इज सेफ है ना उसके बाद अब कोई पुराने फॉर्म इस ट्रैक्ट में नहीं प्रेजेंट होंगे और जो नए बन रहे हैं वो तो इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक है हां जी चलिए आ जाइए सो दिस इज वा एक चीज वहां पर एड कर लो दैट इट डज नॉट अफेक्ट ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है इट डज नॉट अफेक्ट मेल सेक्शुअल डिजायर डिजायर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लिबीडो इट डज नॉट इफेक्ट द लिबीडो ऑफ मेल्स जी अगला मेथड आता है जो फीमेल्स के केस में यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब बेकटमी टमी माने सर्जरी रिलेटेड टू रिमूवल क्या रिमूव करना बेटा पोर्शन ऑफ फिलोपियन ट्यूब सो इफ यू विल सी हेयर सम पोर्शन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब यहां ध्यान दो दिस पोर्शन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज कट एंड एंड धागे बच गए उनको फिर से बांध दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल थ्रेड मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पा रही हूँ कि कैसे बांधेंगे बट हाँ सर्जिकल थ्रेड की हेल्प से बेटा जो लूज एंड है ना उनको बांध दिया जाएगा ताकि वो इंटरफेरेंस ना करे क्या फायदा होगा इससे फायदा ये होगा कि यार यार्म आए इधर देखो बेचारा बैठा है ओबा तो इंतजार में लेकिन स्पॉम और ओबा के बीच का जो ब्रिज था वो तो हम तोड़ दिए ब्रिज, तो ब्रिज तोड़ दिए ब्रिज तोड़ दिए तो बेटा कैसे मिलन होगा हो ही नहीं सकता देयर कैन नेवर बी एनी फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमिट अब दिमाग लगाते हैं कुछ लोग कि यार एक ब्रिज तोड़ते दूसरा नहीं तोड़ते दूसरा क्यों ना तोड़ोगे तुम्हें पता है इस महीने नहीं तो अगले महीने तो दूसरी ओवरी की टर्न आएगी ओवर रिलीज करने की तो जब नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी ओवर रिलीज करेगी तो यार स्पर्म उस ब्रिज को क्रॉस करके पहुंच जाएंगे अपना काम करने के लिए इसीलिए एक ब्रिज नहीं तोड़ना है पूरे के पूरे पेयर को तोड़ा जाता है है ना हां जी चलिए सोटिबेक्टमी इट इज ऑल्सो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन फॉर फीमेल्स एंड अ स्म पार्ट बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऑफ ट्यूब इज रिमूव एंड टाइट थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एपडॉमन थ्रू द विजाइना ठीक है उसके बाद इसको बांध दिया जाता है Then, इसको हम ट्यूबल लाइगेशन भी बोलते हैं कि आपने ट्यूबेक्टमी करी उसके बाद आपने जो बचा हुआ हिस्सा था उसको धागे से बांध दिया सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया अब वो सुई धागा तो लेके नहीं आओगे बांधने के लिए प्रॉपर अलग से मटेरियल का सर्जिकल थ्रेड होता है जिससे बांधोगे सो so दैट इज कॉल्ड एज बेटर ट्यूबल लाइगेशन लाइगेशन समझते हो जोड़ना ट्यूबल लाइगेशन राइट right, गाइज हाँ जी एंड इट इज इफेक्टिव यहां पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है अगर फीमेल ये प्रोसीजर करा रही है तो इट इज एक्चुअली अफेक्टेड इमीजिएटली ठीक है हाँ जी ये आंसर आ गया बट होपफुली आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छा जिस फीमेल ने टुबेक्टमी करा रखी है क्या उस फीमेल को मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते होंगे या नहीं होते होंगे बताइए ऑन गाइज यहां से सोच के बताओ जिस फीमेल ने ट्यूबेक्टमी करा रखी है क्या उस फीमेल को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती होगी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते होंगे या फिर नहीं चलते होंगे <coughs> हाँ जी बताइए गाइस गाइज यू हैव टू टेल मी चलते होंगे तो फिर कहां से आएगा ओवा तो है ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का क्या मतलब है यहां से देयर हैज टू बी रिलीज ऑफ द ब्लड है ना यस मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब देयर हैज टू बी सम ब्लीडिंग है ना द एंडोमेट्रियल लाइनिंग शुड ब्रेक तो वो कहां से आएगा सामान क्या रिलीज हो रहा है ओवा तो है ही नहीं यार होते होंगे नहीं होते होंगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक बोली वैष्णवी ने कि मैम ओवा नहीं है लेकिन एंडोमेट्रियम तो है ये तुम्हारी एंडोमेट्रियम यार चल के रहे? हाँ जी ये रही आपकी एंडोमेट्रियम ये रही आपकी एंडोमेट्रियम ओवा तुमने यहां रोक दिया लेकिन बेटा एंडोमेट्रियम तो बन रही है टूट रही है बन रही है टूट रही है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के इफेक्ट में एल एच एफ एस एच के इफेक्ट में तो यार जो फीमेल्स टूबेक्टमी कराती हैं उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड भी बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे कुछ नहीं रुकेगा बस प्रेगनेंसी नहीं होगी ठीक है क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इट इज नॉट ओनली द ओवा इट इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग आल्सो That endometrial lining breaks and उसके बाद बेटा क्या होता है बाहर आता है, है ना चलिए सो इन टूवेक्टमी मेंस्ट्रल साइकिल कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर दिस प्रोसीजर ये पोर्शन so, कट करने के बाद भी मैंस्ट्रल साइकिल चलते हैं है 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 ना the site is then destroyed by the phagocytosis. जो बेटा आया हुआ है, तो हुआ वो तो तो नहीं के सेल्स उसको कर देंगे मतलब सेल की हो रही एक तरीके से उसकी एजिंग हो गई है एजिंग के बाद बेटा इट विल हाँ जी राइट right? अच्छा अब आपने देखा कि ये जो बासेक्टमी थी और ट्यूबेक्टमी थी इन दोनों को हमने क्या बोला दैट दीज आर द सर्जिकल मेथड है ना सर्जरी करनी पड़ेगी इसीलिए बिल्कुल अंत में कराए जाते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ना क्योंकि इसमें बेटा सर्जरी होती है सर्जरी होगी तो बारी बारी नहीं होगी अंत में कराएंगे इस मेथड को क्या कोई मुझे बता सकता है कि कैन वी रिवर्स दिस मेथड कि ये आपके टेस्टिस था ये एपीडाइमिस था ये आपका वास्ट डिफरेंस था वास्ट डिफरेंस को बेटा आपने काट दिया बीच में से सर्जरी करके काट दिया अब क्या आप इस सर्जरी को उल्टा कर सकते हो कि कपल का मन आए आफ्टर 10 इयर्स दे फील लाइक दे नीड वन मोर चाइल्ड व्हाट टू डू नाउ व्हाट टू डू कैन वी रिवर्स दिस बेटा हां जी क्या ये इसको रिवर्स कर सकते हैं कि एक बार गए डॉक्टर के पास आज बोल रहे हैं काट दो 10 साल बाद आ रहे हैं कि नहीं जोड़ दो है ना बेटा इस केस <coughs> सॉरी इस केस में रिवर्सिबिलिटी आई वुड नॉट से इट इज इम्पॉसिबल इट इज पॉसिबल बट द रिवर्सिबिलिटी इज पुअर क्योंकि इसको उल्टा करने के लिए तुमको दोबारा से खोलना पड़ेगा है ना सर्जरी करनी पड़ेगी ओपन करना पड़ेगा वो जो धागे लगे हुए थे सर्जिकल थ्रेड उनको खोलोगे फिर जोड़ोगे बेटा कोई गारंटी नहीं है कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा तो इट इज रिवर्सिबल बट द रिवर्सिबिलिटी इज पुअर तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि इन दोनों मेथड्स की जो रिवर्सिबिलिटी है वो बड़ी ही खतरनाकली पुअर है क्या है पुअर रिवर्सिबिलिटी है क्योंकि रिवर्सिबिलिटी रिक्वायर्स अनदर सर्जरी एंड वी कैन नॉट गारंटी वेदर दैट सर्जरी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट इसीलिए बिल्कुल अंत में ही कराना चाहिए पूरा सोच समझ के ही इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए राइट हाँ जी एमओ <laughs> भी पता चल गया है मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन बेटा इसका होगा दैट दिस ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट नॉट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट ओके अब इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए नेचुरल का तो चलो कोई साइड इफेक्ट नहीं है देन बैरियर है ओसीपीज है आईयूडीज है इंजेक्टेबल है इम है क्या इन मेथड से कोई ना कोई बॉडी में नुकसान होता होगा यार हार्मोन ले रहे हो जितने भी हार्मोनल मेथड है तुम लोग क्या ले रहे हो हार्मोन ले रहे हो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है एंड इट वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जैसे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं लेना चाहिए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको गैप चाहिए या फिर आपको फ्यूचर में कोई चाइल्ड नहीं चाहिए जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए देन जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो आपको बेस्ट कॉन्ट्रोसेप्टिव बताएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए ठीक है एंड द कॉन्ट्रोसेप्टिव दे शुड नॉट बी द रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको हर वक्त लेते रहना भी जरूरी नहीं है लाइक यू शुड नॉट कीप ऑन टेकिंग ओ फॉर जस्ट रेगुलराइजिंग योर मेंस्ट्रल साइकिल क्योंकि तुमको पता है अगर फीमेल ओसीपी लेगी तो उसका ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा वही ट्वेंटी एट डे वाला साइकिल बन जाएगा क्योंकि तुम दवाई ले रहे हो ट्वेंटी वन प्लस सेवन वाली दवाई ले रहे हो तो यार इसको हर टाइम यूज नहीं करना चाहिए जब रिक्वायर्ड हो तभी आपको यूज करना चाहिए देर आर सम पॉसिबल इल इफेक्ट बट वो फीमेल टू फीमेल कपल टू कपल वेरी करते हैं कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कुछ नहीं करते हैं कुछ फीमेल्स को क्या एक्सपीरियंस होता है घबराहट नौजिया है ना घबराहट होती है कुछ को आईयूडीज लगाने से क्या होता है बेटा एब्डोमेन में पेन भी रहता है कई बार यू नो कुछ फीमेल्स को आईयूडीज के साथ बहुत होती है इनफैक्ट ब्लीडिंग भी हो सकती है bleeding, देख रहे हो, बहुत होना. ये भी हो सकता है इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है कि यार साइकिल इनरेगुलर हो गए वो सब यूज करने से <laughs> है ना इट कैन पॉसिबली लीस्ट चांसेस आर देयर बट दे कैन आल्सो लीड टू ब्रेस्ट कैंसर है ना बेटा क्या हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है ठीक है तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको होता है कुछ फीमेल्स को इनको छोड़कर क्या होने लगता है उनका वेट गेन होने लगता है है ना ओबेसिटी होने लगती है समटाइम्स दे स्टार्ट देर शुगर लेवल बिकम्स वेरी हाई तो डायबिटीज हो जाता है बट दे आर सर्टन फीमेल्स जिनको कुछ भी नहीं होता है एंड दे आर वेरी हैप्पी तो मैं ये नहीं कह सकती कि यार ये सारी चीजें होंगी होंगी डिपेंड करता है यार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो जो मैथड आपको सूट करता है जिसमें सबसे मिनिमम साइड इफेक्ट हो वन शुड गो विथ दैट मैथड ऑफ कॉन्ट्रा सेक्शन राइट अभी जितने भी मैथड करे खुद सोच के बताओ ये मेथड बिफोर क्वाइटस करना पड़ता है या आफ्टर क्वाइटस जितने भी मेथड पढ़े यार ओसीपी पढ़ा आईओडी पढ़ा बैरियर पढ़ा नेचुरल पढ़ा ट्यूबेक्ट में पढ़ा वासेक्ट में पढ़ा ये सारे मेथड बिफोर आ, बिफोर क्वाइटस यूज करते हैं या आफ्टर क्वाइटस यूज करते हैं जी यस 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 बिफोर क्वाइटर्स और आफ्टर क्वाइटस हां जी ये सारे मेथड कब यूज करें ये सारे मेथड बेटा हम यूज करते हैं बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना अभी तक जितने मेथड पढ़े वो कौन से पढ़े बिफोर वाले पढ़े बट देर आर सर्टन सिचुएडेबल इन विच द अनप्रोटेक्टेड क्वार्टे ऑलरेडी सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रेप इन दैट केस द अनप्रोटेक्टेड क्वार्टेज ऑलरेडी हैीमेल डज नॉट वॉन्ट दैट चाइल्ड वॉट टू डू नाउ उस केस में बेटा जो क्विटस के बाद अनप्रोटेक्टेड क्विटस के बाद मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम इमरजेंसी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इमरजेंसी क्यों बिकॉज़ नाउ द अनप्रोटेक्टेड क्विटस हैज ऑलरेडी हैपन्ड तो उसके भी कुछ तरीके हैं अगर टाइमली वो मेथड अडॉप्ट कर लिए जाएं सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और पीएनई कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ हैविंग क्विटस इज फाउंड इफेक्टिव एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो अगर बेटा अनप्रोटेक्टेड पॉइंट हो चुका है एंड आप यू नो नेक्स्ट डे थोड़े एक्टिव हो जाते हो एंड यू फील दैट यू डोंट वांट एनी फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू हैपन तो बड़े सारे तरीके हैं इसको भी रोकने के पहला मेथड ये आता है कि आप पिल्स ले लीजिए जिन पिल्स में या तो प्रोजेस्ट्रॉन हो या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो तो वो पिल्स भी काम कर जाती है लेकिन कंडीशन ये है कि आपको बेटा वो पिल्स कितने समय तक लेनी है विद इन सेवेंटी टू आवर्स अगर आप सेवेंटी टू आवर्स डिले कर दोगे देर आर चांसेस की शायद पीछे फर्टिलाइजेशन हो गई हो तो ये एक तरीका है इमरजेंसी मेथड जिसको आईपीएल भी बोला जाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोला जाता है ठीक है दिस कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी टू ड्यू टू रेप मिस्ड पिल और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटर कोर्स है, है ना और भी मेथड है पहला मेथड मैंने बताया प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की पिल ले लो Uh, 72 टू आवर्स के बीच बीच में एक मेथड है बेटा आर यू फोर एटी सिक्स का नाम है that is इससे पहले जो पिल देखी थी वो प्रोजेस्ट्रॉन वाली पिल थी उसमें प्रोजेस्ट्रॉन था जो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा था मान लो भाई इम्प्लांटेशन हो गई अब बताओ अब आप ऐसी पिल ले सकते हो जो प्रोजेस्ट्रॉन के अगेंस्ट काम करती है देखो इम्प्लांटेशन हो गई तो यार तुम्हारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर ही हुई होगी ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कौन मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्ट्रॉन अगर मैं एक ऐसी पिल डालू जो इस प्रोजेस्ट्रॉन को ही खत्म करते

ये तब चाहिए होगी जब इम्प्लांटेशन हो गई थी अब तुमको क्या करना है अब तुम ये आर यू फोर एटी सिक्स भी ले सकते हैं ठीक है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इमरजेंसी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक और मेथड यूज किया जा सकता है इमरजेंसी में इमरजेंसी मेथड को तुम पोस्ट कोइटल मेथड भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो पोस्ट माने आफ्टर पोस्ट कोइटल मेथड बोल सकते हैं ना यस और नो गाइस बताइए बोल सकते हो इसको पोस्ट कोइटल पोस्ट माने बाद में किसके बाद में कॉइटस के बाद में जो मेथड यूज किया जाए पोस्ट क्वेश्चन पहला एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लो 72 आवर्स के बीच में दूसरा इम्प्लांटेशन होने का खतरा लग रहा है तो बेटा एंटी प्रोजेस्ट्रॉन पिल ले लो दैट इज मेफी प्रेस्ट्रॉन तीसरा 72 टू आवर्स के अंदर अगर कोई पर्सन आईयूडीज भी इंसर्ट करा लेता है वो फीमेल आईयूडी इंसर्ट करा लेती है वो भी काम कर जाता है ठीक है बट विद इन सेवेंटी आवर्स ऑफ हैविंग क्वाइटस uh, ठीक हाँ जी अगला आता है अगला आता है बेटा एक लॉ जो हमारे गवर्नमेंट ने लीगलाइज साल कुछ साल पहले की है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि फुल टर्म होने से पहले पूरे नौ महीने होने से पहले अगर कोई फीमेल चाहती है दैट आई डोंट वांट टू कीप दिस चाइल्ड और इमरजेंसी वाला मेथड भी यूज हो गया मतलब टाइम चला गया देखो इधर देखिए आपके पास फीमेल गैमेट है मेल गैमेट है दोनों ने जुड़ के क्या बनाया coitus, को याद आ जाता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट दिस चाइल्ड दे कैन गो फॉर एमरजेंसी मेथड है ना लेकिन एमरजेंसी मेथड बेटा कितनी देर तक ये काम करता है 72 आवर्स के बीच में काम करता है मान लो वो ड्यूरेशन चली गई 72 से ज़्यादा हो हो गया, गया, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया तीन हफ्ता हो गया एक महीना हो गया दो महीना हो गया तब हमें जाकर कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं दैट वी कैन नॉट कीप दिस चाइल्ड मे बी हमें पता चलता है कि उसको बड़ा डेडली जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है, है ना जो फैमिली में रन कर रहा है अगर बच्चे को बच्चा उस के साथ आ गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है उसको आने वाली लाइफ में ये रीजन भी हो सकता है मे बी रेप के बारे में कुछ समय बाद पता चला 72 आवर्स में मेथड नहीं यूज हो पाए ये समय निकल गया तो यार उस केस में जब 72 आवर्स से ज्यादा समय हो चुका है प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी है कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि फीमेल प्रेगनेंट है दो हफ्ते बीत गए तीन हफ्ते बीत गए तब किस मेथड को यूज करें टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी है ना किस मेथड से अबॉर्ट करे उस कंसेप्ट को दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि डॉक्टर की हेल्प से डॉक्टर की रेकमेंडेशन से बेटा प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अबोर्शन कैन बी इंड्यूस्ड बट कुछ ही चीजों में वो एम टीपी अलाउड है हर कोई एम नहीं करा सकता कि यार प्रोटेक्शन यूज करना भूल गए थे इसीलिए एमटीपी कराने जा रहे हैं नो एम शुड नेवर बी

और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर रीचिंग फुल टर्म पूरे नौ महीने होने से पहले अगर बेटा कपल चाहता है कि उनको ये चाइल्ड नहीं चाहिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो बेटा उस इंड्यूस्ड अबॉर्शन को क्या बोलेंगे हम एम टीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप मानोगे नहीं कि नियरली एक साल में जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उसका वन फिफ्थ पोर्शन एम टीपी का होता है यस yes? टोटल प्रेगनेसी काउटेड परफॉर्म इन ऑल ओवर वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन द नंबर पचास मिलियन एम टी पी एक साल में होती हैं, है सिग्निफिकेंट रोल इन वैसे बोलना नहीं चाहिए बट एम से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी कम हो ही रही है, है ना? सो इस पे पहले अलाउड नहीं था बट लेटर ऑन इस पे एक लॉ बनाया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस रिड्यूसिंगलिक्वेंट मेटर्नल मोर्टैलिटी एंड मोबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा लीगल कर दिया इसको 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड दिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महीने बाद दो महीने बाद उनको पता चलता है कि द चाइल्ड इज फीमेल तो वो जा सकते हैं एम कराने ना ऐसे में डॉक्टर नहीं लिखेगा कि इनका एम कर दो डॉक्टर तभी लिखेगा जब आपके पास वैलिड रीजन होगा नॉट फॉर यू नो दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं है देर आर सर्ट स्ट्रिक्ट कंडीशन दैट हैज टू बी फॉलोड इफ अ कपल वॉन्ट्स टू गो फॉर एम टीपी such restrictions are important to check the indiscriminate and illegal female feticide By yahi tha jiski wajah se amniocentesis ban kiya gaya tha female feticide usi cheez ko avoid karne ke liye beta mtp mein bhi bade sare rule lagaye gaye whether to accept or legalize mtp is not being debated by many countries due to emotional ethical religious and social issues involved in it dekho हमारी कंट्री ने तो चलो इसको लीगल कर दिया है बट बहुत सारे लोग आज भी चाहे लीगल है आज भी इसको गलत मानते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ जेनेटिक डिसऑर्डर बड़ा डेडली जेनेटिक डिसऑर्डर है पहले पता चल गया तो उन्होंने डिसाइड किया यार एम के लिए करते हैं बट देर आर मेनी पीपल हु फील दैट चिल्ड्रन दे आर गिफ्ट बाई गॉड है ना वी डोंट हैव एनी राइट टू टेक लाइफ कंसिडर इज एट टेकिंग समाइफ तो सबके अपने अपने बिलीफ है कि वो क्या मानते हैं लेकिन बेटा अगर ऐसी कंडीशन है और अगर कपल चाहता है अबोर्शन है ना सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो नाइनटीन सेवेंटी वन में एक्ट आया उसमें क्या कह रहा था यह एक्ट की दैट प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड रोकी जा सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड विद इन फर्स्ट ट्वेल्व वीक्स of the the pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner, एक डॉक्टर की सलाह पर एक डॉक्टर के लिखने पर बेटा pregnancy can be टर्मिनेटेड अगर एक डॉक्टर भी लिख देना बारह हफ्तों से पहले कि हाँ मैंने इनका केस स्टडी कर लिया है दे आर दिस इज अ वैलिड केस दे आर नॉट गोइंग टू यू नो मिस यूज इट तो यू यू आर अलाउड टू गो फॉर for MTP, तो अलाउड है कब तक बारह हफ्ते तक लेकिन मान लो बारह हफ्ते से आगे का टाइम आ गया निकल गया टाइम बारह हफ्ते से आगे हो गया अब क्या करे अब बेटा क्या करे फिर गवर्नमेंट ने बोला यार बारह हफ्ते से बाद वैसे खतरा है लेकिन कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है लाइक रेप केस और बिग जेनेटिक डिफॉर्मिटी उस केस में बेटा दो डॉक्टर से लिखवा के लाओ तब मानेंगे एक डॉक्टर तो झूठ भी लिख सकता है हो सकता है तुम्हारे घर का डॉक्टर हो है ना तो दो डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा टू रिकमेंडेशन ऑफ अ ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड इफ एम टी पी दे वॉन्ट एम टी पी आफ्टर ट्वेल्व वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी है ना If the pregnancy has lasted for more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered, दो डॉक्टरों से लिखवा के लाना पड़ेगा उनका ओपिनियन एंड फॉर्मड इन गुड फेथ दैट रिक्वायर्ड ग्राउंड वो कंफर्म करें कि जो ये बोल रहे हैं वो सच है बहुत वैलिड रीजन है अलाउ किया, किया, किया जाएगा तो ये बात समझे एम टीपी की एम टीपी सेफ अप टू हांजी अगर आपके पास आ गया एम टीबी से कितने हफ्ते तक सेफ है बेटा एम टी बी इज एक्चुअली सेफ अप टू बारह हफ्ते ट वीक्स तक एम टीपी क्या होने वाला है सेफ और उसके बाद उसके बाद बेटा बट इट इज अलाउड अपटिल ट्वेंटी वीक्स अलाउ तब तक किया जा सकता है हां जी डन हां ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसीज कब कब कहा जाएगा कि यार तुम एम करा सकते हो या तो प्रेगनेंसी से मदर को बहुत बड़ा खतरा है तो डॉक्टर लिख के दे देंगे कि यार इससे मदर की जान को खतरा है आप एम ऑफ करेगनेंट फीमेल है ना या फिर बेटा देर इज अबैंशियल रिस्क दैट अगर बर्थ हो गया बच्चे का तो उसको कोई बहुत बड़ी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मैलिटी होगी पहले ही पता चल जाता है तो बेटा इज अलाउड ठीक है एम टी इज ऑल्सो डन टू गेट रेड ऑफ प्रेगनेंसी आइर ड्यू टू कैजुअल सेक्स और ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर अगर कॉन्ट्रासेप्शन रेप की वजह से हुआ तब भी एम टीपी अलाउ की जाती है एम टीपी इज ऑल्सो इन सर्टन केसेस सी कु हार्मुल और आदर और अगर वो प्रेगनेंसी मदर की जान पर खतरा डाल रही है खतरा डाल रही है फ्यूचर में तो इस केस में डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं दैट येस यू कैन गो फॉर एम टी पी बट एक कपल को याद रखना चाहिए दैट एम टीपी शुड नेवर बी अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इट शुड ऑलवेज बी अ मेथड ऑफ एमरजेंसी है ना हेजी हां जी सेफ कब तक तो होगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है बेटा एम टी पी इज सेफ प्रेगनेंसी ये ट्राइमेस्टर एबॉर्शन मच हफ्ते माने पहले तीन महीने तीन महीने तक अगर को, अगर कोई एम टी पी या फिर कराए तो सेफ माना जाता है उसके बाद हो तो सकता है यार लेकिन रिस्क है 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 ना रिस्क सो वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्सर्व इन द मेजोरिटी ऑफ एम टी पी वॉज की जो लोग एम टीपी कराते थे ना एक तो वो कराते थे कि जब उन्हें पता चलता था कि फीमेल सेक्स है और वो करा लेते थे थ्रू अनक्वालिफाइड पीपल हु आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर डिग्री टू परफॉर्म दैट प्रोसीजर ठीक है तो बड़ा अनसेफ है राइट डन बाय इफ इट इज डन बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी डेडली आल्सो पास्ट में ऐसे बड़ी मदर्स की भी डेथ हुई है जिन्होंने अनरिकग्नाइज्ड uh, ऑफिशियल अन प्रोफेशनल लोगों से एम कराया देन uh, दूसरा ट्रेंड ये देखा गया दैट द मिस यूज ऑफ एमनियोटिस डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड ठीक है हाँ जी जनरली जब एम में उनको पता चलता था कि यार फीमेल चाइल्ड है तो वो एमटीपी करा लेते थे सच प्रैक्टिस हैव टू बी बेटा आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो आप प्लीज ये चीज फैलाइए ये चीज अपने घर में अपने पेरेंट्स को अपने ग्रांड पेरेंट्स को अगर कहीं भी आप ऐसा सुनते हैं है ना आपके घर अगर कोई हाउस हेल्प है वो ऐसा सोचते हैं कि अगर फीमेल्स एक बर्डन है तो आप उनको being a young generation being an educated person आप वहां जाकर उनको थोड़ी सी शिक्षा थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं कि यार आज के टाइम पे फीमेल मेल सब एक बराबर है है ना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेल अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं नो दीस डेज इवन फीमेल्स इवन आफ्टर देयर मैरिज दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स सो पेरेंट को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लड़की चली जाएगी मेरा ख्याल कौन रखेगा ऐसा कुछ नहीं है राइट right नाउ थिंग्स है आजकल फीमेल इनफैक्ट मेल से ज्यादा कमा रही है मतलब मुझे बराबरी नहीं करनी है ना ही मुझे आगे निकलना है बट मुझे फीमेल को पीछे भी नहीं रहने देना है दिस इज माई मेन कंसर्न एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड कि अगर आप कहीं भी सुने तो आप इस चीज को यू you नो know, सही करें वहां पर उनको बताएं कि फीमेल चाइल्ड इज नॉट अ बैड चाइल्ड वी शुड नॉट अवॉइड ऐसे सेक्स रेशियो भी डिस्टर्ब हो रही है राइट गाइस सो ये था आपका एमटीपी अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपको शो करनी है है ना एक इंटरेस्टिंग चीज जरा मैं देख लूं कि आई है कि नहीं आई है इट इज नॉट येट अप अच्छा फॉर ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स मुझे सब बच्चे बताएं जरा सोच के कि आप में से कौन-कौन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट एनी आइडिया हाँ जी कौन कौन बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है यस yes. बताइए कौन कौन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है जरा पता चले उनके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास उनके लिए बेटा सरप्राइज आने वाला है जैसे मेरा सेशन एंड होगा ना वैसे मैं तुम्हें तो टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगी मतलब जब वो सेशन आएगा तो सरप्राइज है कि बेटा कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी इन सबसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कैसे बनते हैं क्या लाइफ होती है यार कितनी सैलरी होती है कैसा उनका दिन बीतता है कितना काम करना पड़ता है उनको बड़ी टफ जॉब तो नहीं है उनकी कहां पर जॉब लगती है ये सारी चीजें बेटा आई एम गोइंग टू आंसर इन माई टूडे सेशन पांच मिनट का सेशन है सिर्फ इसी चैनल पर आएगा तो जितने बच्चे यहां से भागने की कोशिश करते हैं ना क्लास के बाद तो उनको मैं बता दूं राइट आफ्टर फाइव मिनट ऑफ दिस सेशन दैट कार्डियोलॉजी सेशन इज गोइंग टू बी अप ऑन दिस चैनल तो वो जरूर 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 सब देखेंगे ओके okay? और अपने दोस्तों को मित्रों को जूनियर्स को सीनियर्स को सबको दिखाएंगे हां जी ये हम करेंगे कल टुमोरो इज अ डे ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नॉट अ डे ऑफ इन्फेक्शन बट येस टुमोरो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी हां जी इन्फॉर्मेशन क्या है कि बड़े सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं प्लस पर मैम का भी बैच चल रहा है पहले बैचेस देख लेते हैं इज लेजेंड्स बैच फॉर 23 बाहुबली बैच फॉर बोथ 22 एंड 23 थ्री एंड बेटा इनथ्यूज बैच फॉर 22 ये सब बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आप इन सब में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज सी प्लाइफ जिससे बेटा आपको बेनिफिट मिलेगा कि 10 परसेंट ऑफ मैम की गाइडेंस साथ ही में डाउट क्लियरिंग काउंसलिंग सेशन यहाँ पे बेटा अन अकेडमी नीट की टीम का भी देखो बैच है हमारा 2022 का बैच भी लॉन्च हो चुका है संजीवनी बैच ही है है ना टू, नो 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 भाई वाली संजीव ने ठीक है 2023 का बैच भी चल रहा है अगले महीने का भी लॉन्च हो चुका है सब बच्चे एनरोल कर सकते हैं कर लीजिए है ना कर लीजिए अब नहीं तो कब बैकलॉग बढ़ेगा यार जितनी लेट डिसाइड करोगे कोड क्या यूज करना सेफ लाइफ ठीक है इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ऑफ जून सब बच्चे अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि नाइन्थ के जो स्टूडेंट है उनके लिए ऑफर चल रहा है कि अभी अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप दो साल का फाउंडेशन लीजिए आपको आई या फिर नीट की सब्सक्रिप्शन पर ऑफ मिलेगा तो फोर ईयर पर बिग ऑन थर्टी थ्री प्लसेंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट इस बारी का कॉम्बैट इज डिजाइंड बाई अस द टीम ऑफ अन अकेडमी तो इस बारी का बेटा कॉम्बैट आपको अटेंड करना ही करना है उसमें तो कोई है ही नहीं कंपल्सरी है ये सबके लिए कंपल्सरी है ठीक है होता है, फ्री टेस्ट होने अच्छा तो हंड्रेड <laughs> को कैसे फ्री बनाए टेस्ट को फ्री बनाने का तरीका है कि एनरोलमेंट के वक्त बेटा कोड यूज करना सीफ लाइफ आप अपने फोन से भी टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल एंड्रॉइड फोन है ना तुम पे उससे बैठ के आराम से टेस्ट देना ये रहा कॉम्बैट एवरी संडे इलेवन एम राइट के बारे में मैंने आपको बता दू ऑन ह्यूज डिमांड बेटा दिस ऑफर इज बैक ह्यूज डिमांड ट्वेल्व प्लस टू अब चल रहा है ट्वेंटी फोर प्लस थ्री एक साल के लिए दो मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे अगले साल मतलब जो दो साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसको थ्री मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे कैसे मिलेंगे बेटा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त करोगे तो आप मैम के स्टूडेंट से कभी भी रिव्यू ले सकते हो कि कैसे हमारे प्लस बैचेस होते हैं हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं डीपीपीज मिलती हैं डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं एंड साथ साथ में काउंसलिंग सेशन भी होते हैं तो जिससे आप यू नो ट्रैक पे बने रहते हो पूरे के पूरे दो साल तक हाँ जी। है? और अन अकेडमी भी सर्च कर सकते हो लेना फॉलो कर लोगे तो मेरी सारी फ्री को अवेल कर सकते हो फ्री क्लास अटेंड करने के लिए यू हैव टू यूज द कोड सीप्लाई फ्री है बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा आपको मिल जाते हैं सारे अपडेट्स अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले सेशन में जो शायद अभी प्रीमियर होने वाला है ठीक है तो सब बच्चे उस सेशन का इंतजार करें विद इन नेक्स्ट वन और टू मिनट्स इट इज गोइंग टू कम लाइव डू वॉच दैट सेशन डू शेयर इट आज का सेशन अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बाय बाय